निकालिए कॉपी, निकालिए कॉपी, निकालो। एपी ने लास्ट क्वेश्चन बताइए क्या लिखाए थे। लेट तो हुआ है 40। क्या चौथा और अच्छा बता दिए थे या फिर ऐसे बोले थे कि होमवर्क नहीं है। बन गया था, कितना आया था? नहीं नहीं वो निकालना होगा उस सीढ़ी का प्रथम तीन पद शायद, तो तीन पद कितना कितना आया था। बन ये गया होगा, और जिससे नहीं बनाया उसके लिए जल्दी जल्दी बता देते हैं क्या है। एक बार क्वेश्चन बोलना किसी एपी का, चौथे एवं आठवें पदों का योग 24 है। ये पहला समीकरण, चौथा पद को बोलते हैं प्लस, अब आठवें पद को बोलते हैं प्लस 7d बराबर में। दोनों को अगर जोड़ें तो a और a जोड़कर हो गया 2a, और 3 और 7 जोड़ के हो गया 10d बराबर में 24। अगर 2 और 2 कॉमन ले लेते हैं तो a प्लस 5d बराबर में 12। समीकरण फर्स्ट। दूसरा नंबर फिर क्या है, छठे एवं दसवें पदों का योग कितना 44 है। छठे पदों तो छठे मतलब a प्लस 5d और दसवें पद मतलब a प्लस 9d बराबर में, बोलो दोनों जोड़ के 44। ए और ए हाँ दोनों जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा, 5d और 9d जोड़ेंगे 14d हो जाएगा बराबर में। फिर ध्यान से अगर समझे तो 2 और 2 कॉमन थे, a प्लस 7d या बराबर में 22। समीकरण सेकेंड, दोनों समीकरण को एक साथ रख के हल करो। पहला समीकरण a प्लस 5d बराबर में 12, दूसरा समीकरण कितना a प्लस 7d बराबर में 22। हल करो, माइनस 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 ही कैंसिल, 5 में से 7 गया माइनस में 2d, वहाँ बोलो माइनस में 10, माइनस से माइनस इसे कैंसिल, d बराबर कितना 5। अगर d निकल गया तो d का मान समीकरण फर्स्ट में, तो सब समझते हैं कि कहाँ रखना है समीकरण फर्स्ट कितना, यहाँ पे a प्लस 5, अच्छा सॉरी 5 ने है तो 5, और d मैंने कितना रखेंगे 5, और बराबर में 12, तो a बराबर कितना हो गया 12 और माइनस 25, तो a बराबर कितना हो गया माइनस में 13। ए निकलिए गया, डी निकलिए गया, करना क्या है, प्रथम तीन पद निकालना है। पहला तीन पद, पहला तीन पद तो शुरू में माइनस 13, फिर माइनस 13 में 5 जोड़ो, 5 जोड़ो जोड़ो तो माइनस 60, फिर 5 जोड़ो, 5 जोड़ो तो माइनस में 3 आंसर है। रहा बात जोड़े नहीं आता है तो बात की बात है, आपकी इच्छा अपना नहीं है, अगला नंबर क्वेश्चन लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए कि समांतर श्रेढ़ी तीन आठ तेरह, समांतर श्रेढ़ी तीन आठ तेरह डॉट 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 253, मतलब लास्ट में 253 है, का अंत से 20वां पद ज्ञात करें, अंतिम 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 से 20वां पद ज्ञात करें। जितना जल्दी हो सकता है या तो आप बनाइए या तो फिर इसको छापिए, हम एक मिनट का टाइम आपको दिए, या तो छापिए लो या तो बनाइए लो, उसके बाद कॉपी बंद करवा देंगे। बताइए कितना आया आंसर, क्या निकालना है इसमें, अंतिम से 20वां पद। इतना देरी में अगर आप बना लिए तो बहुत अच्छा, और जो नहीं बनाया है वो बनाओ, जब तक हम नहीं लिख रहे तब तक बनाइए, अगर बनता है तो, जब लिखना शुरू करें तो बोलते हैं मत लिखो। जहाँ पर क्वेश्चन लिखे हो उस कॉपी के बीच में कलम डालो और कॉपी को बंद कर दो, कॉपी लॉक कर, कॉपी बंद कीजिए।
कृपया करके अगर मैथ नहीं समझ में आ रहा है तो उसका एक ही दवा है। हाँ, जब तक हम लिखे क्या पूरा वीडियो, अगर जो बाद में घर में जाके देखोगे तो खाली वीडियो देखो, लिखो को एकदम ने दोबारा यही चीज़ आप लिखिए। यूट्यूब वाला के लिए भी एक तरह से ये मैसेज है कि जब तक क्या पूरा वीडियो भी आप सिर्फ देखिए, लिखना नहीं है। तुम भी इसी करो, छापता का है अभी जो क्वेश्चन बोले उसमें कितना ही बोलो, 3, 8, 13 डॉट 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 डॉट। 200 अंतिम से चलना है तो पहले समझ लीजिए कि हाँ ए बराबर कितना है, ए बराबर 3 होना तो यही चाहिए था, लेकिन नहीं होगा, काहे नहीं होगा, क्योंकि हमको इधर से ना है, उधर से चलना है। तो उधर से अगर चलेंगे तो सोच रहे हो कि वही पहला पद हो जाएगा, मतलब अगर अंत से लिखते भी हो, मान लो कि हम लिखते हैं अंतिम से, तो पहले लिखेंगे 253। अब 253 के पहले कौन सी होगा, दिमाग लगा, इन्हें से कितना चल रहा है, 5 5 5 5 5 5 ही नहीं है, तो सोचो कि 253 के पहले क्या होगा, 200, और उसके पहले भी क्या होगा, चलो समझ में आता है, मतलब 253 है तो इससे पहले होना चाहिए 200, और उससे पहले 200, ऐसे बढ़ते 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 लास्ट में 3, ए बराबर कितना, अब ए बराबर चलेगा 253, क्योंकि हम अंतिम से लेके चल रहे हैं, इधर से डिफरेंस लग रहा था 5, मतलब +5, लेकिन अगर अंतिम से चले उधर से तो डिफरेंस वही 5 रहेगा, लेकिन कैसन में निकालना क्या है अंतिम से कैमा पद, टी बीस के फॉर्मूला बोले, ए प्लस 19 डी, ए मतलब बताइए कितना है 253, प्लस 19 डी मतलब बता माइनस में 5, ये हो गया 253, माइनस में 19 5 95, घटावे ले आता है 13 में से 5 गया 8, 14 में से 9 गया तो 5, आई बचा एक, मतलब 100 158। अगर समझ में आ गया तो देखो छापे वाला के मना है, ढक्कन है कि कल इतना बोले थे फिर भी नहीं मानेगा एकदम, तुमको इतना ही बनाना है, तो बन गया था हमसे पहले, मेरे लिखने से पहले ना, हाँ उधर देख कर बोलो कि बना रहे बोलो उसको, तो फिर लिख कह रहा था, खैर मनाओ कि लिखो आगे, तुम लिखो ना यार, हम कम मना करते हैं, हम टाइम देते हैं 1 मिनट का, उतना स्पीड में आप बना लीजिए, या जब तक हम बकवास कर रहे हैं दनादन छापो आप, लेकिन फिलहाल क्वेश्चन लिखो। कितना समझाते हैं अच्छा से कि नहीं लिखना भाव, नहीं लिखना, समांतर श्रेणी 1 4 7 10 डॉट डॉट डॉट, पहले 1 लिखें, फिर 4 लिखें, फिर 7 लिखें, फिर 10 लिखें, 1 4 7 10 डॉट 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 का 88 88, लास्ट में क्या आया 88। उतना मत सोचो, शुरुआत में 1 लिखें, 4 लिखे हैं, 7 लिखे हैं, डॉट 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 डॉट, अंतिम में 88 लिखो, और फिर लिखो 88 का अंत से 12वां पद ज्ञात करें, अंत से 12वां पद, देखो अगर मैथ समझ में आता है तो छापने की ज़रूरत नहीं है, मैथ आप देख लिए, दोबारा घरे जाइए खुद बना, और अगर बाय द वे नहीं बने तो एक दिन या दो दिन के बाद आपको ये वीडियो मिल जाता है, उसको देख लेना दोबारा। अब अगर बना सकते हैं तो मेरे मिटाते मिटाते आप बना के आंसर बताइए, 55 ने, हाँ ठीक है बहुत अच्छा, या तो मेरे लिखने से पहले आंसर ही बता दीजिए 55 ने, देखते हैं, और जिससे नहीं बना तो कॉपी ओपी के बीच में ऐसे कलम डाल के कॉपी ऐसे करके बंद कर दो, देखिए कि झमेले ख़त्म, क्वेश्चन लिख लिया है ना, घरे जाके बना लेना एक बार, खाली फिर से देख लो कितना कितना बोले, 1 है 4 है, फिर 7 है, फिर 10 है, फिर डॉट 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 88। उनको अपने आप पे पूरा भरोसा है कि अगर हम किसी को चाहें तो मैं समझा देंगे, बस अगर तू समझना चाहेगा तबे ना। जैसे यहाँ पे ऐसे तो ए मैंने कितना है 1, और डी मैंने कितना है 3, ऐसे, लेकिन ऐसे नहीं चलना आपको, उसमें खुद कह रहे हैं हम कि शुरू से नहीं, कहाँ से चलिए, तो उस हिसाब से तो 88 जो लास्ट में है वही पहले लिखा जाएगा। अब सोचो कि डिफरेंस कितना कितना चल रहा है, 3 3, तो 88 से पहले क्या होगा,
और इससे भी पहले क्या होगा 82, मतलब डॉट 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 लास्ट में एक हो जाएगा। अब हम पूछेंगे कि अंतिम से जो लिखें इसमें शुरू में क्या नज़र आ रहा है, 88 यानी यही हो गया ए। डिफरेंस से कितना नज़र आ रहा, तो डिफरेंस देखेंगे कि यहाँ से यहाँ घट के -3। और निकालना क्या है कैमा पद अंतिम से, और किसी को अगर अपना स्पीड मेंटेन करना है तो सलाह दे रहे हैं और यूट्यूब पे भी अपलोड होगा, बता रहे हैं कि अर्चना मैथ देख लो, अर्चना बैच देख लो, तो थोड़ा स्पीड मेंटेन हो जाएगा एग्ज़ाम के पर्पज़ से। ए मैंने 88, डी मैंने उतना, फलाना ढकाना जो भी बोलो। निकालना है टी बारह का फॉर्मूला बताइए। ए प्लस 11 डी, ए मैंने बताइए 88 प्लस 11, डी मैंने बोलो -3 88, आई बोलो -3 घटावे ले आता है 55। अब छाप लीजिएगा, उतना हम टाइम देंगे, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन बोलेंगे, लिखो। जितना जल्दी हो सकता है आप छाप लीजिए, हम हटते हैं यही चलते हैं कि आप छापो जल्दी। क्वेश्चन क्या चल रहा था अंतिम से, एक क्वेश्चन लिखिए। एपी 369 डॉट 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 99 के अंतिम से दसवां पद ज्ञात करें। 369 डॉट 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 अंतिम से कैमा पद याद कीजिए, बना लीजिए आप। मेरे लिखने से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए। तब मानेंगे, भले कितनों गुस्सा करें डांटे, लेकिन मानेंगे कि हाँ भाई आ गया 72, बहुत अच्छा 72। देखो वो टीचर है, वो अपने जगह पे, गुस्सा करना डांटना पीट देना धर के धो देना वो अपने जगह पे, लेकिन अगर आप बनाते हैं तो आपके नॉलेज का रिस्पेक्ट करना वो अलग बात हो गया, वो तो खैर मानेंगे ना। हम टीचर हैं देखो, इस बात की गारंटी नहीं लेते हैं कि हम तुम पे गुस्सा नहीं करेंगे, हैं तो बोलवे करेंगे, क्या करें, जगह ही ऐसा है, टीचर पोस्ट पे वैसा है कि डांटना पड़ता। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है बोलो। 369 डॉट 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 आगे जो भी हो हमको उससे नहीं मतलब है, लास्ट पद क्या है 99। अब नहीं लिखिए, अगर नहीं बना है तो आप समझने पे ध्यान दो, अगर नहीं बना तो आप समझने पे ध्यान दो। ऐसे अगर चलते तो कहते ए बराबर 3 है और डिफरेंस कितना है 3 है, मतलब ऐसे चलते तो ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन ऐसे आपको चलने नहीं, आपको तो निकालना है, और वो भी कहाँ से, अंतिम से, तो अंतिम से सोचो। हाँ एक बात बता दें कि अगर 3 से 6 जाते हैं तो 3 के डिफरेंस, 6 से 9 जाते हैं 3 के डिफरेंस, मतलब इधर से चलने पे समझ में आ रहा है 3 3 3, तो अपने दिमाग लगा 99 से पहले क्या होगा, अच्छा 96 से पहले कौन होगा, यानी अंतिम से अगर लिखते हैं तो पहले 99, 99 से पहले 96 डॉट 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 लास्ट में। हमको अंतिम से नहीं मतलब है लिखना, सॉरी अंतिम लिख दिए, लिखना है ए, ए बराबर कितना हो गया 99, ए बराबर निकल गया। डिफरेंस कितना चल रहा है, घट गया तो डिफरेंस हो गया -3। निकालना क्या है टी दस के फॉर्मूला बताइए। टी दस के फॉर्मूला ए प्लस 9d, ए मैंने बोलो कितना 99, आ प्लस 9d मैंने बोलो -3, ये हो गया 99, 9 3 घटा दो, आप बोलो घटा के 72, यानी आंसर हो गया 72। छाप लेना, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन लिखो। आप हमसे पहले बना लेते हैं, इससे ज़्यादा एक टीचर को और क्या चाहिए, वो गधा टीचर होगा जो आपके आगे बढ़ने पे और गुस्सा करता होगा, हम उस वजह से आपके नहीं गुस्साते हैं। लिखिए एपी, आप जितना जल्दी बना लीजिए उतने अच्छा है मेरे लिए। एपी 24, संभल के इस बार क्वेश्चन भी संभल के बोलेंगे। एपी 24, 21, 18, 15, दोबारा बोल रहे हैं एपी 24, 21, 18, 15 डॉट 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 का कौन सा पद
प्रथम ऋणात्मक पद है। कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है? प्रथम ऋणात्मक पद है। हम आपको टाइम देंगे और इस बार पूरा 2 मिनट का टाइम देंगे, बनाइए आप। पूरा 2 मिनट तक हम कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे। टाइम स्टार्ट। 120 सेकंड तक कोई डिस्टर्बेंस नहीं आपको करेंगे। आप बनाइए, अगर बनता है ठीक है, नहीं तो हम बताएंगे। और जिनसे नहीं बनता है, टाइम दिए हैं, चाहो तो छाप लो। दसवा पद, तो दसवा पद भी निकालिए लो। दसवा पद क्या है वो निकाल ही लो। लो 2 मिनट दिए थे, ये तो 30 सेकंड में बन गया। इससे 30 सेकंड के अंदर आंसर बता दिए। 2 मिनट में तू सब भी बता दो। माइनस दो, माइनस तीन आंसर वो आ गया। तूने लो क्या, निकाल 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 यार निकाल। है टाइम, अभी तो 1 मिनट भी नहीं हुआ, हम 2 मिनट के टाइम दिए आपको। अब 2 मिनट में बनाते हैं तो भी हम बहुत खुश हैं। अब 30 सेकंड वाला खैर कहने नहीं, उसके लिए तो खैर सब देने कि आप 30 सेकंड में बना लिए। पीछे से तू सब जल्दी बता, बना 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 बना, जल्दी बना बना रे बाबू, बना बना। हिंट के लिए यही देंगे ना कि TN को 0 मान लो। जैसे घट रहा है तो घटते घटते एक समय ऐसा जरूर आएगा कि 0 आएगा। आ 0 मान लो नौवां पद आया, मान लेते हैं कि 0 नौवां पद है। इसका मतलब है कि दसवां पद प्रथम ऋणात्मक पद है। पहला जो नेगेटिव टर्म है वो दसवां पद ही है। अब फिर T10 निकाल लेंगे हम। जितना टाइम दिए रुकेंगे ना हम, नहीं बनेगा तो मत लिखना फिर। चलो बताइए देते हैं, सभी है 15 सेकंड बचा। लो छोड़ो हटाओ, क्या दिए ही बताइए। 24, 21, 18, 15 का हाँ कौन सा, या बोलो कि प्रथम ऋणात्मक पद कौन सा है या क्या है या ज्ञात करें, जो भी बोलो कौन सा है। अब नहीं लिखो, जितना लिखना था हम टाइम दिए थे, अब नहीं लिखे। हो सके तो कॉपिए बंद कर दीजिए, कॉपिया नहीं भागेगा कहीं। तो 1 महीना वैसे करके देखो जैसे हम तुमसे करवाना चाह रहे हैं, मतलब मैथ बताना चाह रहे हैं। नहीं हो समझ में आता है, धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। अब इतना समझ में इसमें आ रहा है कि ई घटते 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 एक समय ऐसा जरूर आएगा, घटते घटते कितना हो जाएगा, हमको 0 ने 0 से भी आगे जाना है। क्योंकि प्रथम ऋणात्मक, प्रथम माने बोलते हैं फर्स्ट में, जब फर्स्टे में नेगेटिव टर्म मिलेगा ना, एकदम शुरू में नेगेटिव तो बहुत सारा मिलेगा। जैसे 0 के बाद हम जाएंगे तो सबके सब कैसा मिलेगा, लेकिन जब फर्स्टे में मिलेगा, प्रथम मतलब फर्स्ट, तो जब फर्स्ट में ही नेगेटिव और टर्म इंग्लिश में अगर लिखवाते हैं तो बोलते हैं फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो पहले में जो मिलेगा वही है प्रथम ऋणात्मक पद। तो एक सिंपल से तरीका है कि मान लेते हैं, मान लिया कि अंतिम पद, माना अंतिम पद 0 है। हालांकि 0 है न, हम अपने मन से ज़बरदस्ती मान लेते हैं कि 0 है और वही लेके चलते हैं TN बराबर a+n-1 × d। और फिर TN जहाँ दिखाई दे रहा वहाँ पे 0, a माने कितना 24, और प्लस एन माइनस वन इंटू डी माने हाँ घट रहा है इसलिए -3 समझ लेना। फिर ये भी कह सकते हैं कि 24 इधर आ जाओ तो ये पटी आके तो माइनस में, उन्हें बच गया n-1। आपकी मर्जी, आप चाहे तो गुना भी कर सकते थे -3 से, अगर नहीं किए तो भी ठीक है। का है जब मैं 3 से ही वाला कट जाएगा, 3 8 n-1 बराबर 8, 3 बराबर कितना 9। एक मिनट, हो सकता है कभी कभी n बराबर 9 के बजाय, कई बार ऐसा होता है कि 9.5 आता है, तो तब भी चलेगा। आपको ये थोड़ा बताना है कि 0 कौन सा पद है। जैसे बोले वाला तो बोलेगा कि 9.5 संभव, तो हमको क्या मतलब है, हमको मतलब 0 से थोड़ा है।
अगर 9.5 है नहीं सुधरेगा, खैर छोड़ो सामने जो कम से कम सुधरल रहना बाब। ये 9.9 है, अगर मान लेते हैं कि n के जगह पे 9.5 भी होता तब भी हम यही बोलते हैं कि इसके बाद जो टर्म आएगा वो कौन है, दसवां। हाँ मतलब प्रथम धनात्मक, जैसे नौवां पद क्या है, n बराबर जो 9 आया है वो नौवां पद कौन है, जीरो है। मान लो 9.5 भी आता तब भी 9.5 के बाद कौन सा टर्म आएगा, दसवां पद, दसवां पद ही होगा प्रथम। 9.5 छोड़ो 9.7 भी आता तब भी हम क्या बोलते हैं कि इसके बाद कौन सा टर्म आएगा, और दसवां पद कैसा होगा, तो 9.8 की अगर 9.9 भी आता तब भी हम बोलते हैं कि इसके बाद कौन सा टर्म आएगा, और दसवां पद ही प्रथम धनात्मक होगा। तो ऐसे तो 9 आया है तो इसके बाद तुरंत कौन सा पूर्णांक आता है, मतलब पूर्ण संख्या आता है, तो बोलेंगे अतः 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 दस अतः दसवां पद प्रथम ऋणात्मक। पीछे बैठे वाला के जानते कुछ ही फायदा होता है, वो दनादन बैठ के अमुड़िया गोद के छापते रहता है वो सब। अतः दसवां पद प्रथम ऋणात्मक पद है, मत बाबू ऐसे मत छापो, आपको वीडियो मिलता है टाइम भी देते हैं फिर भी ऐसे गलती करता। T10 बोलो, T10 के फार्मूला A+9D, ए मैंने बताइएगा कितना नजर आ रहा है, 24+9 D मैंने कितना, डी मैंने -3 हो गया, सोचो 24 हो गया और माइनस में 27 सॉरी, हाँ वो तो माइनस से 3 होगा, क्योंकि अगर नौवां पद जीरो है तो जीरो के बाद जो आएगा वो कैसा होगा, क्योंकि -3 -3 -3 हो रहा है, तो प्रथम ऋणात्मक पद कितना हो गया, -3। अगला नंबर क्वेश्चन, देखो जिसको भी लगता है कि हम आज मैथ में कमज़ोर हैं, हमारा एक महीना के टारगेट देते कि अगर एक महीना जैसे जैसे हम कहते हैं सिर्फ खाली छापना नहीं, पूरा सोचो कि हम नहीं लिखेंगे, आए हैं जा समझे ले, ये जाने समझे तो घरे जाके समझेंगे लेकिन लिखेंगे नहीं। अगर एक महीना के बाद भी तो मैथ नहीं बनाने का तरीका बदल गया तो आजीवन भर मेरे यहाँ पढ़े नहीं आना और ना ही यूट्यूब चैनल देखना कभी, ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन तो नहीं तो छापे में लगल रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन छापिए, इसको छापना है तब ले हम क्वेश्चन लिखाते हैं। क्वेश्चन लिखना है कि तीन अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, तीन अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। इतना तो विश्वास कर यार कि 2 दिन के बाद ये वीडियो आपके मोबाइल पे चल जाएगा, तो वहाँ से छापते रहना। 7 क्या लिखे, 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से बनाइए, अगर आप बना सकते हैं तो। एक आध मिनट के तो टाइम देंगे ही ना, रुकते हैं लेकिन जल्दी ये बनाइए लो अगर बनाना है तो। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो कि 7 से विभाज्य है, अब इतना टाइम में आप चाहें तो छाप भी सकते हैं लेकिन जल्दी अगर छापना भी रहे तो। 3 अंकों वाले कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, जल्दी बनाइए फिर जब हम बनाएंगे तो मिला लेना कि आपका और मेरा आंसर कितना आया। तीन अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, कितना आया 128। ऐसे तो 3 अंकों वाली संख्या शुरू हो जाता है 100 से, लेकिन 100 नहीं लिखना है क्योंकि 100 7 से विभाज्य नहीं है, तो 100 नहीं तो 101 भी नहीं विभाज्य, 102 वो भी नहीं विभाज्य, 103 वो भी नहीं, अस्टार्टे जो होता है ना वो 105 से, स्टार्टिंग नंबर जो है वो 105 है। 3 अंकों वाली अगर सबसे छोटा संख्या कोई पूछे, सॉरी छोटा बोलते हैं, सबसे छोटी संख्या अगर कोई पूछे तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। तुम लोग में से एक आगो ऐसा होगा ढक्कन जिसको ही नहीं मालूम होगा कि मेरा डब्बा कहाँ है, बहुत वैसा होगा। 2 अंक की छोटी संख्या क्या होता है 10, 3 अंक की छोटी संख्या 100, 4 अंक की छोटी संख्या 5 अंक की छोटी संख्या
मतलब छोटी संख्या अगर पूछे तो ऐसे तो सबसे छोटी संख्या, अगर डिजिट्स की बात करें तो सबसे छोटा डिजिट्स तो जीरो है, सबसे छोटा डिजिट्स। लेकिन जीरो अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं रखता है, कुछ भी हो जाए लेकिन जीरो पहले नहीं रखना। ये बुतरुओं के हम सिखाते हैं कि कुछ भी हो जीरो पहले, जीरो के बाद तुम जो भी दे दो, सॉरी मतलब जीरो नहीं देके शुरू में कुछ भी दो और उसके बाद जीरो दो तो उसका वैल्यू है, लेकिन शुरू में जीरो नहीं देना है। इसलिए सबसे छोटा होना चाहिए था जीरो, लेकिन जीरो नहीं देखे कम से कम पहले कितना देना है, एक, और उसके बाद फिर आपको जीरो जीरो देते रहना है। तो फिलहाल यहाँ तो कह रहा है कि 3 अंकों की वे सभी संख्याएं जो कि 7 से, तो 3 अंकों के सबसे छोटा संख्या अगर हम ढूंढते हैं तो 100, लेकिन 100 लिखना नहीं है क्योंकि वो 7 से कटता नहीं है। 101 वो भी नहीं, 102 वो भी नहीं, 103 वो भी नहीं, शुरुआतें होता है 105 और आगे तो हम लिखिए देंगे 100, अरे यार 112, मतलब 7 7 जोड़ते जाएंगे, 112 के बाद 119, ऐसे ही 7 7 जोड़ते जाएंगे, सबसे लास्ट में देखेंगे कि सबसे अंतिम। तो 3 अंकों की अगर कोई बड़ी संख्या पूछे तो उसमें बहुत के नहीं मालूम रहता कि 3 अंकों की बड़ी संख्या क्या होता है, 999। 4 अंक की बड़ी संख्या 4 × 9, 5 अंक की बड़ी संख्या 5 × 9। तो ऐसे तो बड़ा से बड़ा संख्या अगर देखे तो 9 9 9, लेकिन ये बेकार है। मतलब 3 अंक की संख्या शुरू हो गया 105, 112, 119, ये सब जितना लिख रहे हैं ना सब के सब 7 से कटे वाला है। लिखने के तो मन में ये भी आता है कि 100 भी लिख दीजिए आंसर, लेकिन ये नहीं लिखते हैं क्योंकि 7 से नहीं कटता। वैसे लास्ट में 999 7 से नहीं कटता है तो छोड़ दो, उससे पहले देखो 998, 998 भी नहीं कटेगा, 900, अरे यार देखो जिसको नहीं समझ में आ रहा वो यहाँ देखना, 7 कम 7 घट के 2 के 28 घट के 1 और 9, 7 × 2 = 14 घट के 5, 5 बच गया, 5 बच गया, 5 बच गया, काहे बच गया, 5 काहे बचा, अगर एजा 9 नहीं होके एजा 4 होता तो दिमाग लगाओ कि पूरा पूरी कट जाता। इसका मतलब है कि 999 तक काहल जा रहे हो, 994 अंतिम पद है, कहानी खत्म। यहाँ से शुरू से अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, ए बराबर 105, डिफरेंस आप अपने बताइए डिफरेंस कितना चल रहा है 7। अब अंतिम पद की अगर बात करें कि सबसे लास्ट में कौन दिखाई दे रहा है, 994, फिर टी एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, टी एन बोलो कितना चलेगा 994, ए मतलब जो शुरू वाला होता है स्टार्टिंग में कितना है 105, एन प्लस वन सॉरी एन माइनस वन डिफरेंस से कितना चल रहा है 7, 105 समझ लेना कि एन ने आके घट गया तो कितना बचा, 14 में से 5 गया तो 9 और 8 8 यही ना उधर हो गया एन माइनस वन, अब गुने में 7 से भी बोला कटना जरूरी होता है, 7 एकम 7 यहाँ से बच के 14 और हाँ 749, तो 127 बराबर में एन माइनस वन, इसलिए एन बराबर बोलो तो माइनस वन इधर आके प्लस में हो जाएगा, यानी 100, यानी कि एन क्या निकला, तो एन निकला इसके बारे में कि 994 कैमा पद है 128, मतलब कि पहला पद दूसरा पद तीसरा पद वो वाला चौथा पद, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा सातवा आठवा नौवा दसवा ग्यारहवा वो कैमा पद है सबसे लास्ट 128, यानी लास्ट में लिख देना है कि अतः 3 अंकों वाली वैसी संख्याएं जो 7 से विभाज्य है कितना है 100। अगला नंबर क्वेश्चन, दस और 250 मतलब 250, 10 और 250, 10 और 250 के बीच, और बाय द वे अगर किसी के पास नहीं मोबाइल हो तो टेंशन नहीं लोगे, अगर नहीं बना तो हम पर्सनली बता देंगे तुमको, अगर आपके पास नहीं मोबाइल है तो हम खास करके तुमको बैठ के स्पेशल ट्यूशन नहीं पढ़ा देंगे हम, लेकिन अपने से एक बार बना के देखिएगा, तब नहीं बना तो फिर हम है ना
10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है? 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं? आप बनाइए, 60 सेकेंड में अगर बने तो ठीक, नहीं तो छाप सकते हो, छाप लो। ऐसे तो 10 और 250 के बीच बोल रहे हैं, और वो भी 4 से, 4 के गुणज ने, 4 के कितने गुणज हैं, मतलब जो 4 से कटे। तो हम हिंट देते हैं कि पहले लिखिए 12, फिर 16, फिर 20, फिर डॉट 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 डॉट। 250 कटेगा कि नहीं कटेगा? तो 250 से पहले 249 भी नहीं है कटेगा, यानी लास्ट जाता है 248। इतना आप अगर लिख लिए तो और ज़्यादा हिंट देते हैं कि ए बराबर लिख लो 12, अब अंतिम पद लिख लो 248, और डिफरेंस तो खैर समझ ही रहे हैं, 4-4 है। अंतिम पद को आप टी एन बोलते हैं, तो एन क्या आया? 60, सही है, 60 हो गया। अभी 15 सेकेंड बाकी है, 60 सेकेंड ख़त्म होने में। एन बराबर 60, हाँ ये 60 आंसर होगा। एक मिनट में अगर बन रहा है, मतलब स्पीड अच्छा खासा नहीं है, ठीक है, मतलब बहुत अच्छा है कि आप एक मिनट के अंदर हिसाब बना ले रहे हैं। जो 2-3 मिनट में बनाता है वो भले बोलेंगे ठीक ठाक है। देखो अब देखिए, देखिए उतना टाइम नहीं देना। 2 नंबर वाला क्वेश्चन अगर 1 से 1.5 मिनट में आप बना लेते तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ समझने में ध्यान दीजिए। क्या बोले? अच्छा, 10 और 250 के बीच और विचार के कितने गुणज, मतलब गुणज के मतलब सिर्फ ही नहीं होता कि पहाड़ा, गुणज के मतलब जो 4 से कट जाए, 4 से विभाज हो जाए। तो 10 और 250 के बीच, पहली बात है कि 10 के बाद जो पहला नंबर मिला 12, अब 12 के बाद 16, 16 के बाद 20, मतलब 4-4 जोड़ते जाते हैं, 24 डॉट 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 डॉट। 250 तो खैर फिक्स है कि 4 से नहीं कटेगा, तो कौन कटेगा जो इससे पहले है? 248, 250 नहीं कटेगा, 249 ओकर पहले वाला नंबर वो भी बेकार है, 248 ए मैंने बोलो कितना चल रहा है, 12, डिफरेंस कितना चल रहा है 4, और लास्ट पद कितना है 248। आपको क्या करना है, टी एन बराबर ही फार्मूला लिख देना, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, टी एन के जगह पे बैठा देना है 248, ए मैंने कितना 12, प्लस एन माइनस वन इंटू डिफरेंस, डिफरेंस मैंने कितना 4। इधर देखो कि 12 अगर माइनस कर दें, मतलब 248 में से 12 घटा दो, 200 उधर एन माइनस वन गुने में 4, जिसको आता है वो समझ सकता है कि 4 से ही वाला पूरा पूरी कट जाएगा 4-5, हाँ तो 59 बराबर एन माइनस वन, तो एन बराबर आप बता सकते हैं कितना 60 आंसर। छाप लीजिएगा 2 दिन बाद। अभी एक और क्वेश्चन लिखो, किसी समांतर श्रेणी में 60 पद है, किसी समांतर श्रेणी में 60 पद है, तुम लोग अर्चना बैच वाला जो मैथवा है वो सब चेक करवाए हो कभी? हाँ ही करवाई होगी, तू सब एपी? हम नहीं चेक कर रहे हैं क्योंकि कोची चेक कर रहे हैं, ईमानदारी से आप कम से कम अर्चना बैचवा जो है ना उसको नहीं लिखो, 2x पे भी अगर देखोगे ना तो सब समझ में आ जाएगा, खाली वाला देख लेना। काहे बोल रहे, क्योंकि अर्चना बैच में टाइप के हिसाब से, पहला टाइप, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप, एक वीडियो में एक ही टाइप, दूसरा वीडियो में दूसरा टाइप, ये टाइप नहीं तो रैंडमली चल रहा है, तो ये तो हो सकता है कि बाउंस भी कर जाए अगर आप कुछ नहीं जानते हैं तो। लिखिए लिखिए, हम कोशिश तो करते हैं समझा दें, लेकिन ज़्यादा बेहतर तब समझ में आएगा जब आप अर्चना बैच पढ़ लीजिएगा। किसी समांतर श्रेणी में 60 पद है, समांतर श्रेणी में 60 पद है, यदि पहला पद एवं अंतिम पद क्रमशः 7 एवं 125 है, मतलब कि पहला पद 7 है और अंतिम पद 100, अंतिम पद मतलब T60 है, अंतिम पद 125 है,
तो 32वां पद ज्ञात कीजिए। फिर से बोलें, पहला पद 7 यानी ए देले हैं और टी 60 भी दिए हुए, तो आपसे पूछा जा रहा है कि 32वां पद ज्ञात कीजिए। किसी समांतर श्रेणी में कुल 60 पद है, यदि पहला पद एवं अंतिम पद क्रमशः 7 एवं 125 है, मतलब पहला पद 7 है अंतिम पद 125 है, तो 32वां पद निकालिए। दिए आपको टाइम 1 मिनट के 60 सेकेंड। इतना टाइम में बना तो ठीक, नहीं बना तो कोई बात नहीं, समझने पर ध्यान देना। बन गया? अरे यार अभी तो 20 सेकेंड नहीं हुआ, कितना आंसर आया? रुको रुको अभी 60 सेकेंड होने दो और बाकी बनाइए। सोनी के कैसे मालूम रहता है यही क्वेश्चन मार देंगे, भले से बने ले रहते हो। नहीं, इसी मजाक कर रहे थे। तू सब बनाए नहीं, इधर रो में से कोई नहीं बनाता, बार बार आंसर इधर से आ। अच्छा है, बना दे तू। क्या नाम है इसका? अभिषेक कुमार। जल्दी बता आंसर कितना। तू भी देखते हैं बना उना लेता है। चलिए नहीं बना ने 1 मिनट में, तो उससे अच्छा है कि आप समझने पे ध्यान दीजिए। मतलब ये नहीं कहते कि नहीं बनेगा, लेकिन उससे अच्छा है समझने पे ध्यान दो। समझ गए तो एक नहीं तो 1.5 मिनट में बन जाइए करेगा कभी न कभी। यहाँ समझिएगा, टोटल पद अगर हम बोले कि कोई एपी है जिसमें कुल पदों की संख्या, यानी कि कुल पदों की संख्या 60, एन मान लो ना कि यही एन है, एन बराबर कितना है 60, और पहला पद मतलब प्रथम पद कितना 7, अब अंतिम पद यानी टी एन, काहे का टी एन डायरेक्ट बोलो ना, टी 60 बराबर कितना 125, करना क्या है? तो इसमें 32वां पद। अब 32वां पद आप तभी निकाल पाइएगा जब आपको पहले डी पता होगा। जैसे टी 60 बराबर अगर हम लिखे भी चले गए तो टी 60 के फॉर्मूला होता है ए प्लस 59 डी, फिर टी 60 की जगह पे 125 रख देंगे, आई ए की जगह पे 7 रख देंगे, 59 है और डी, तो डी तो पते नहीं, तो डी नहीं है पता है तो वैसे ही छोड़ दिए, 7 घटा दो 118 बराबर में 59 डी, इसे वाला काट दो। डी बराबर बोलो, अगर डी बराबर 2 निकलिए गया, ए पहले से पते था, करना क्या है आपको 32वां पद, टी 32, और टी 32 के फॉर्मूला बोलो ए प्लस 31 डी, ए मतलब बताइए 7, अ प्लस 31 डी मतलब बताइए, डी कहाँ है, एजन है 2, अब बोलो कि 7 के 7 आ 31 दूनी 62, दोनों को जोड़ देंगे तो 69 आंसर हो गया। और अगर आप समझ रहे हैं तो हम बार बार बोल रहे हैं, शुरू से ही वीडियो में बोल रहे हैं कि अपने से बना लेना, अपने से बना लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन के किस मान के लिए, एन के किस मान के लिए दोनों समानांतर श्रेणियों, एन के किस मान के लिए दोनों समानांतर श्रेणियों कौन कौन लिखाते हैं, 63, 65, 67 डॉट 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 लिखें, 63, 65, 67 डॉट 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 डॉट, और 3, 10, 17 डॉट 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 के nवें पद समान है, nवें पद समान है। हर एक टाइप अर्चना बैच में पड़ल है पूरा एक करके, इसलिए वहाँ देखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और फिर ये वाला बनाइएगा तो एक तरह से प्रैक्टिस जैसन हो गया कि एग्ज़ाम में यही सब क्वेश्चन आएगा। फिर से बोलते हैं, 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद समान है, तो n का मान बता, बताइए कितना होगा।
इतना जगह काफी, बताइए। कितना आया? 13। 13 13 जिसने बना है उतना टेंशन नहीं लो, उतना स्ट्रेस लेने के लिए आप हमको पैसा नहीं देते, हम यहाँ नहीं आते। बंद कर रखोगे? अरे पैसा दिए हो, सीखे ले, समझे ले, जब तुमको खुद टेंशन लेना रहे, सेल्फ स्टडी करना है, पैसा कहाँ हमारा दिया? यहाँ देखिए हम बताते हैं ना, दोबारा जाके खुद से बना लेना, मतलब ये नहीं कहते देख के छापिए लो, एक बार देख लो। अभी जो दिए हैं उसमें है 63, 65, 67 डॉट 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 डॉट, और दूसरा एक और है 3, 10, 17 डॉट 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 डॉट। इन दोनों के इनमा पद आपस में बराबर है, समझने पर ध्यान दीजिए। मतलब जो इसका TN होगा वही इसका, लेकिन पहले यही तो समझ में आवे कि TN के फॉर्मूला क्या होता है, A+N-1 × D। इधर भी फार्मूला A+N-1 × D। अब यहाँ पर आने के बाद कितना बाल के खाल निकालेगा कि दोनों एक जैसे हैं तो कट जाएगा। तो चल तू खुश हो, इसलिए यहाँ पे A1 है, यहाँ पे A2, यहाँ पे D1 है, यहाँ पे D2। अब ज़्यादा भी खुश मत होना यार, N1 N2 मत कर देना, इतना खुशी भी मत मनाना, क्योंकि दोनों का एनवा पद आपस में बराबर है, तो एन को एन ही रह देंगे। ए मतलब पहले का 63, आप प्लस N-1 × डिफरेंस बताना इसमें 2। इधर A2 में बताइएगा 3, आप प्लस में N-1 डिफरेंस बोलो 7। अब अपने सोचो कि अगर 63 होने भेज दें तो 60 हो जाएगा। एक मिनट, इससे अच्छा है ना, इससे अच्छा ही है कि पहले 63, इससे अच्छा है पहले 2N, माइनस में 2 बराबर में 3, 7N माइनस में 7, ये ज़्यादा अच्छा है। पहले यही अपना अरेंज कर लो, 63 में से 2 गया और प्लस में 2N, इधर देखें तो 3 में से मतलब -4 और प्लस में 7N। अब हम बोलेंगे कि 7N बड़ा है, तो बड़ा जो N है ये 7 गो N है, तो ये कहीं नहीं जाएगा, इधर रह जाएगा। जो छोटका है ना, छोटका को इधर लेके आएंगे माइनस में 2N। वैसे ही 61 बड़ा है, लेकिन -4 तो बहुत छोटा है, उधर जाके +4 बोलो, दोनों जोड़कर 65। इधर बताइए अगर 5N देखें, 5 से अगर काट देते N बराबर कितना 13 13। मतलब कि जो हम बोल रहे थे कि एनवा पद और एनवा पद, तो यही तो दे थे कि एन के किस मान के लिए, मतलब अगर देखा जाए तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछा गया कि एन का वैल्यू 13। इसको छापो, लेकिन उससे पहले अगला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखें। दोनों नहीं आना है कि अच्छा, बस ये को लिखो, उसके बाद हम छोड़ देते हैं। 63 65 तो अभी बताएं, हाँ अगला लिखे 9, वही क्वेश्चन है कि एन के किस मान के लिए, 9 7 5 डॉट 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 डॉट, फिर से बोलते हैं 9 7 5 डॉट 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 डॉट, और दूसरा है 15 12 9 डॉट 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 डॉट, दोनों घटिए रहा है 9 7 5 डॉट डॉट डॉट, फिर 15 12 9 डॉट डॉट डॉट, एन के किस मान के लिए, घट तो दोनों रहा है, बताइए। बन जाएगा तो जल्दी बना, अच्छा
कितना है? 9, 7, 5 डॉट 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 डॉट, और फिर कितना है? 15, 12, 9। बोलो कितना आंसर आया? 7वां पद। दोनों का एनवा पद समान है, तो डायरेक्ट लिखो टी एन इसका, मतलब पहले वाले का, और टी एन दूसरे वाले का। फॉर्मूला अगर लिखें तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, चलो भाई वन वन लिख दिए, इधर ए टू प्लस एन माइनस वन इंटू डी टू। ए वन कितना है इसमें? 9 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वन, हाँ माइनस टू। उधर से ए टू मतलब 15 प्लस एन माइनस 1 इंटू, डिफरेंस से कितना? -3। 15 फिर वही गलती कर रहे थे, इसे काहे घटाते हैं? पहले काम करो, 9 माइनस में 2n प्लस में 2। उधर अगर देखें तो 15 माइनस में 3n प्लस में 3। अब भले 9, 2 दोनों मिला दो 11 माइनस में 2n। उधर देखें 15, 3, 18 माइनस में 3n। इसको उसको जिसको भी जिधर मान लो यही इधर भेजते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा छोटा है, जे ज़्यादा छोटा है उसको इधर भेजो, तो इन्हें आके हो जाएगा 3n प्लस में, और यहाँ तो पहले से है -2n। 18 है, 11 को उन्हें भेजो, ये एन हो गया बराबर में कितना? 7। एन बराबर 7। आज यहीं तक इतना हिसाब जितना लिखवाए हैं, कल हम पूरा चेक करेंगे कि बना या नहीं बना। चेक कोची करेंगे, ये तो पहले से बना बना के बैठल, बाकी जो नहीं बने लें वो अपना बनाइए। अब ऐसे मिल जाएगा, इजाद पढ़ा रहे ना, वो आज ही वीडियो अपलोड करेंगे, प्लेलिस्ट में जाओगे, अनलिस्टेड रहेगा, तुमको मिल जाएगा। मतलब तुम्हारे पास YouTube नोटिफिकेशन नहीं भेजेगा, लेकिन अनलिस्टेड में मिल जाता है, आज ही मिल जाएगा। अब तो सोचोगे कि हमारा पास नोटिफिकेशन है, वो तुम्हारे पास 2 दिन बाद जाएगा। थोड़ा देखना है, देख के लिखना है, तो आज ही लिख लेना, 10 बजे के आसपास साथ में मिल जाएगा।